हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे, व्हाट आर द मस्ट 7 रीड बुक्स व्हिच विल मेक यू अ ग्रेट इन्वेस्टर। बिकॉज आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स अबाउट इन्वेस्टिंग, मैंने नैरो डाउन करा है कि ये 7 बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एंड जो आपकी इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, दैट कैन दीज बुक्स कैन हेल्प यू अलॉट इन दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक की वजह के थ्रू। एंड फर्स्ट बुक का जो नेम है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स एंड एक्चुअली में दिस इज अ बेस्ट सेलर बुक, एंड उसके पीछे एक रीजन है। सो नेम ऑफ द बुक इज वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय मिस्टर पीटर लिंच। तो पीटर लिंच लेजेंडरी फंड मैनेजर रह चुके हैं US के अंदर, एंड इनका जो म्यूचुअल फंड था उसको ऑलमोस्ट 30% CAGR का रिटर्न था फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एंड इस बुक के अंदर ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं इफ यू आर अ बिगिनर इन्वेस्टर। सो दिस बुक विल गिव यू अ कंप्लीट फ्रेमवर्क कि किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एसेट प्लेज होंगे, स्टॉलवर्ड्स होंगे, फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होंगी, देन स्लो ग्रोइंग कंपनीज होंगी, उसके बाद साइक्लिकल बिजनेसेस होंगे, देन देयर आर मल्टीपल सच टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। ये आपको फ्रेमवर्क हेल्प करेगा कि जब भी आप एक कंपनी पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे केस में वी स्टडीड अ कंपनी विच वॉज इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेवरेजेस, एंड वहां से क्लियरली पता लग गया था यार फास्ट ग्रोवर है, तो आपका जो एक मेंटल मॉडल है या फिर मेंटल फ्रेमवर्क है वो बहुत इजीली बन जाता है। सेकंड थिंग दैट पीटर लिंच कीप्स ऑन सेइंग इज दैट इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है अगर किसी को कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं समझ आ रही तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। फिर इस मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, सिंपल बिजनेसेस हैं, जैसे हमने ओवर द इयर्स एग्जांपल देखा कि टाइटन में इतनी वेल्थ क्रिएशन हुई, एंड लास्ट 3 ईयर्स में भी वेल्थ क्रिएशन हुई, लास्ट 2 ईयर्स में भी, 1 ईयर में भी, 5 ईयर्स पहले भी हुई, 10 ईयर्स पहले भी हुई। इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी प्रोमिनेंट एंड विजिबल। सो इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो द मोटो ऑफ दिस बुक। थर्डली, ये बुक के अंदर बात करते हैं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको दो ही चीजों पर फोकस करनी है। बहुत बारी मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा है कि दैट दे कीप फोकसिंग कि निफ्टी आज 10,000 पे आ जाएगी, कभी 12,000 पे आ जाएगी, जब बुलिश होते हैं तो कहेंगे 20,000 पे चले जाएगी या 25,000 पे चले जाएगी। बट दैट इज प्योरली अ वेस्टेज ऑफ टाइम अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर हैं। सिंपल रीजन बिकॉज ही कीप स्टॉकिंग इन द बुक कि आपको दो ही चीजों पर फोकस करना है, दैट इज थीम एंड अर्निंग्स ग्रोथ। एक बिजनेस और एक स्टॉक आर द सेम थिंग्स, एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पीस ऑफ अ स्टॉक यू आर डूइंग नथिंग बट इन्वेस्टिंग इन अ पीस ऑफ अ बिजनेस। सो 3 थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट आर अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। एक कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ माने उस कंपनी के मुनाफा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक, सो आई हैव रेड दिस बुक मल्टीपल टाइम्स ओवर द इयर्स, एंड आई हैव पिक्ड अ लॉट ऑफ गुड बिजनेसेस एज वेल। बट इस बुक की जो ये लर्निंग है कि व्हाट द 3 थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट आर अर्निंग्स एंड अर्निंग्स, एंड साथ साथ किस थीम के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो दिस इज वन ऑफ द की लर्निंग्स व्हिच हैज स्टेड विद मी। एंड ऑल्सो वन ऑफ द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक इज कि आपको ये चीज रिकग्नाइज करनी है कि एज अ स्मॉल इन्वेस्टर यू कैन अफोर्ड टू हैव 3 to 10 stocks इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि आप 3 to 10 stocks क्लोजली ट्रैक कर सकते हो। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर उस बास्केट में कोई एक्सीडेंट हो गया, प्रॉब्लम होगी, दैट इज ऑल्सो एन इशू। बट अगेन ही ऑल्सो मैंशन कि अगर वो दैट वन एग इज अ वॉलमार्ट, देन यूल हैव अ हैप्पी आउटकम। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर 3 to 10 stocks आपको चूज करने चाहिए। एंड साथ साथ पी रेशियो का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है इस बुक के अंदर। एंड फाइनली इस बुक के अंदर एक सेलिंग फ्रेमवर्क है, एंड ऑल्सो दिस बुक विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर कि एक्चुअली जब आप इन्वेस्टिंग इंडियन कॉन्टेक्स में भी कर रहे होंगे तो हमेशा जब भी आप कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर कुछ अर्निंग्स के ड्राइवर होंगे, जैसे कंपनी की मार्जिन एक्सपेंशन होने वाला होगा, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होगी, कंपनी के अंदर केपेक्स आ रहा होगा, कंपनी के अंदर डीलेवरेजिंग हो रही होगी। तो लास्ट फ्यू ईयर्स में अपने चैनल से डिस्कस करते हैं, जैसे हमने आपके साथ एक बिजनेस डिस्कस करा था उषा मार्टिन के नाम से, तो वहां पर डीलेवरेजिंग हो रही थी, एंड लास्ट 2 ईयर्स में पूरा थीसिस सामने आपके प्ले आउट करा। देन हमने बात करी थी कि आपके साथ एक बिजनेस की बाय द नेम ऑफ वरुण बेवरेजेस, जहां पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा था एंड जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो वहां पे आ रही थी। अगेन वो भी वीडियो आई थिंक आज से 1.5-2 साल पहले बनाई थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगेन प्रोडक्ट मिक्स चेंज, देन ये सारी चीजें स्टोरी का पार्ट रहती है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट टू यू बाय दिस बुक की कंपनी की स्टोरी क्या रहती है, कि कंपनी के अंदर क्या ट्रिगर्स आ रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ के। सो दिस बुक विल गिव यू मल्टीपल सच एग्जांपल्स। सो फर्स्ट बुक हमारी कौन सी है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। नाउ कमिंग टू द सेकंड बुक, एंड सेकंड बुक के साथ साथ डू रिमेंबर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ स्पेशल कॉन्टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज SOIC's थर्ड एनिवर्सरी मंथ, एंड एज अ पार्ट ऑफ SOIC थर्ड एनिवर्सरी मंथ वील बी हैविंग अ कॉन्टेस्ट, जहां पे वन लकी विनर विल गेट ऑल दी 7 books बेसिकली डिलीवर्ड टू देयर हाउस। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्टेक्स, मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। नाउ कमिंग टू द सेकंड बुक, सो नेम ऑफ द सेकंड बुक दैट इज अ बुक कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ
फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। एंड इस बुक का क्या नाम है, दैट इज सीक्रेट्स फ्रॉम प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट्स। एंड दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स जो एक बिगनर के लिए या न्यू इन्वेस्टर के लिए वन ऑफ द सिंपलेस्ट बुक्स टू रीड है। एंड दिस विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कि टेक्निकल्स में एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए एंड एक टेक्निकल एनालिस्ट को फंडामेंटल्स के अंदर क्या देखना चाहिए। सो एक्चुअली में दोनों ही टेक्निकल्स वालों के लिए और फंडामेंटल्स वालों के लिए दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ वेरी मस्ट रीड बुक, बिकॉज ये बुक आपको ये सिखाएगी कि एक्चुअली में काफी बार ही आपने देखा है एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी फॉल्ट क्या है कि डी डजंट हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी, नीदर डज ही हैव एन स्ट्रेटजी कि व्हेन टू एंटर कब करें। तो एग्जिट स्ट्रेटजी आपको ये बुक सिखाएगी कि स्टेज वन क्या होता है, स्टेज टू क्या होता है, स्टेज थ्री क्या होता है, स्टेज फोर क्या होता है। तो हर एक स्टॉक की जर्नी के अंदर स्टेजेस होते हैं, यानी क्या स्टेजेस रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। तो स्टेज वन होता है कि आफ्टर द फॉल ऑफ स्टेज फोर, स्टेज वन तब आता है जब बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी। कंपनी के अंदर हो सकता है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रही हो बट बायर्स और सेलर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज दे आर सीइंग हाउ द थिंग्स इवॉल्व। एंड यूजली इस टाइम पे क्या हो रहेगा कि कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट निकाल रही होगी, कंपनी कोई न्यू केपेक्स कर रही होगी। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो अक्रिसल करके कंपनी है या फिर आलती ड्रग्स करके कंपनी है, तो 4 to 5 ईयर्स के लिए दोनों कंपनी के अंदर स्टेज वन फॉर्मेशन हो रही थी विच इज ऑल्सो नोन एज बेस फॉर्मेशन। तो बायर्स और सेलर्स दोनों इस कंपनीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी कि इन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ कब आती है। फिर अक्रिसिल में एकदम क्या हुआ कि अक्रिसिल में बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होने लग गए एंड साथ साथ आलती ड्रग्स में क्या होने लगा कि जैसे ही कोविड आया तो उनके मार्जिन बहुत तेजी से एक्सपैंड कर गए। तो स्टेज वन में क्या होता है, इग्नोरेंस होती है, बहुत ज्यादा लोग स्टॉक्स को नहीं देख रहे होते हैं एंड वो स्टॉक ज्यादा इग्नोर्ड सेक्टर के हो जाते हैं। अगर आज आप रेलवे स्टॉक्स भी देखते हैं, स्टॉक्स लाइक टीटागढ़ वैगन्स एंड अदर्स, तो यहां पे भी आपने देखा होगा कि बहुत नंबर ऑफ इयर्स के लिए यहां पे इग्नोरेंस थी। तो इसको हम स्टेज वन पीरियड कहते हैं। तो स्टेज वन पीरियड में आइडली वैल्यू इन्वेस्टर्स को कंपनीज देखनी चाहिए बट आइडियल टाइम टू बाय इज जब स्टेज टू ब्रेकआउट होता है। स्टेज टू ब्रेकआउट कब होता है कि जैसे ही स्टॉक जो अपना एक फेज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, माने साइडवेज मूवमेंट को जैसे ही ब्रेकआउट करता है विद वेरी हाई वॉल्यूम्स, जनरली इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही होती है वहां पे। सो अगेन ही मेंशंस इन द बुक कि स्टेज टू ब्रेकआउट में व्हेन द स्टॉक्स आर गोइंग अप हायर द वॉल्यूम्स हैव टू बी हायर बिकॉज इट इज लाइक एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ। इफ द वेरी हाई वॉल्यूम्स कम इन टू द स्टॉक देन स्टॉक का स्टेज टू का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एंड इस पीरियड में क्या आएगा कि बार बार कंपनीज अर्निंग सरप्राइजेस देंगी, बार बार एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस बीट होंगी एंड बार बार क्या आएगा कि एनालिस्ट को अपने एक्सपेक्टेशंस को रिवाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज द स्टेज टू पीरियड एंड आइडली एन इन्वेस्टर शुड बाय द स्टॉक जैसे ही वो स्टेज टू के अंदर ब्रेकआउट करता है। अ ट्रेडर शुड बाय द स्टॉक जब स्टेज टू के अंदर कंटिन्यूएशन रैली होती है। सो दैट इज व्हाट ही मेंशंस इन द बुक एंड बुक के अंदर वो ये भी मेंशन करते हैं कि आपको 30 वीकली मूविंग एवरेज यूज करनी है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करनी है वर्सेस द इंडेक्स और वर्सेस द सेक्टोरल बेंचमार्क। तो जैसे मैं आपको यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिखाता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं तो आप निफ्टी के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा सकते हैं एंड यहां पे अगर आप जैसे देखेंगे तो हमने चूज करके लगाई एंड साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। बाद में इन्होंने बोला एक पॉडकास्ट के अंदर कि आप 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। सो अगेन दीज आर द टू वेज टू सॉर्ट ऑफ यूज स्टेज एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जो आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड मस्ट रीड बुक व्हिच आई विल हाईली सजेस्ट टू ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स टू रीड जो इस फील्ड के अंदर नए हैं बिकॉज दिस बुक विल गिव यू एन एग्जिट स्ट्रेटजी जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफी बारी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती। नाउ कमिंग टू द थर्ड बुक, तो थर्ड बुक का नाम क्या है? सो थर्ड बुक एक्चुअली में क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग थोड़ी कम है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर थर्ड बुक है एंड नेम ऑफ द बुक इज मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स। एंड मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स इज वन ऑफ दोज बुक्स जहां पे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस या सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे मिस्टर अनिल कुमार गोयल हो गए या तो मिस्टर गोविंद पारेख हो गए राइट एंड या तो मिस्टर विजय केडिया हो गए या अगर मिस्टर केनेथ अंद्रादे हो गए, मिस्टर हिरेन वेद हो गए या तो मिस्टर राजशेखर अय्यर हो गए। सो इनकी जो की लर्निंग्स है कि इन्होंने कैसे वेल्थ स्क्रैच से क्रिएट करी, ऑल दीज लर्निंग्स आर हेयर इन दिस बुक। एंड मिस्टर राजशेखर अय्यर का जो चैप्टर है पर्टिकुलरली दैट इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना चाहिए बिकॉज फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर अ लॉट ऑफ दोज लर्निंग्स कैन बी अप्लाइड इन योर ओन जर्नी बिकॉज कैसे फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने बिजनेसेस पिक करे, कैसे आज भी वो बिजनेसेस पिक करते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। एंड साथ साथ वो ये भी बात करते हैं फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर हु इज न्यू इन टू दिस गेम दे शुड हैव देयर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ माइंड कि आप कोई भी नंबर्स आपकी तरफ थ्रो करें तो आप उनको ना लीजिए, खुद दिमाग लगा के
इंडिपेंडेंट वर्क करके उन नंबर्स को लीजिए एंड ऑल्सो टर्न इन टू अ रीडिंग मशीन. जितना आप रीड करेंगे उतने आपके पास नए नए आइडियाज आते रहेंगे. सो दिस इज द थर्ड बुक. बिकॉज इस बुक का रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स के अंदर बहुत कम ही ऐसी लिटरेचर है जो आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इन द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग. सो नाउ फाइनली कमिंग टू द फोर्थ बुक. सो द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक विच अ रिटेल इन्वेस्टर शुड रीड इज अ बुक बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिटर्न्स. एंड दिस इज अ बुक विच इज रिटन बाय मिस्टर एडवर्ड चांसलर एंड जो मैराथन एसेट मैनेजमेंट है उनकी फिलोसफी के ऊपर है. तो ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जहां पे भी देखेंगे वर्ल्ड के अंदर या जहां भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में देखेंगे, बिकॉज वी लिव इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, बार बार बूम्स एंड बस्ट की साइकिल आती है. तो बूम्स एंड बस्ट की साइकिल क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर सारे प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे होते. सो काफी सारे प्लेयर्स लॉसेस के अंदर होते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट आर इन लॉसेस. जैसे कोई भी आप कमोडिटी इंडस्ट्री लेंगे, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी APIs की इंडस्ट्री क्यों ना हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे इनफिशियंट प्लेयर्स दे एंड अप गेटिंग बैंकक्रप्ट एंड दे गो आउट ऑफ द मार्केट. जैसे वो मार्केट से बाहर जाते हैं सप्लाई साइड कम हो जाती है एंड डिमांड वापस बढ़ जाती है, ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ कंपनीज दे स्टार्ट डूइंग वेल एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट्स बनाने लग जाते हैं, ड्यू टू विच द शेयर प्राइस स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग. एंड जैसे शेयर प्राइस स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गोज अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर क्या होता है कि उनको देख के बहुत सारा नया कॉम्पिटिशन वापस आ जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस ओवर सप्लाई हो जाती है इंडस्ट्री में, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिमांड वही रहती है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बस्ट का साइकिल आ जाता है. तो एग्जैक्टली हमने बॉप और बोपेट, ये जो पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस है, चाहे इसमें पॉलीप्लेक्स हो, चाहे इसमें जिंदल पॉली फिल्म्स हो, चाहे इसमें यूफ्लेक्स हो, चाहे इसमें कॉस्मो फर्स्ट हो, इन कंपनीज के अंदर भी सेम साइकिल एग्जैक्टली प्ले आउट करी है. एंड इस साइकिल के ऊपर हमने आज से आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 9 पहले एक ट्विटर थ्रेड भी लिखा था. एंड वॉट इज इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज इज कि इस टाइम पे जब आई थिंक लास्ट ईयर एट द पीक ऑफ द साइकिल हम लोगों के पास बहुत सारी ईमेल्स और कॉमेंट्स भी आते थे कि पॉलीप्लेक्स के ऊपर वीडियो बना दो या कॉस्मो फर्स्ट के ऊपर बना दो. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक तो सेंटिमेंट वाइज भी पीक था एंड कैपिटल साइकिल वॉज प्लेइंग आउट इन द पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री. एंड हाउ वर वी एबल टू सेव आर सेल्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ एन इंडस्ट्री इज जस्ट बाय हैविंग दिस माइंड सेट ऑफ कैपिटल साइकिल इन प्लेस. एंड दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू हैव दैट माइंड सेट बिकॉज दिस बुक विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. क्योंकि पीक पे बहुत सारी न्यूजेस फैल रही होंगी. तो पीक पे क्या न्यूज फैल रही होगी कि जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और HEG में हुआ था कि दिस इज स्पेशलिटी स्टील, बट एक्चुअली में वो कमोडिटी था बिकॉज दोज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोड्स. सो दिस इज वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स. एंड फिफ्थ जो बुक की तरफ हम चलेंगे एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द टेक्निकल वर्ल्ड, दैट इज ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजिट बाय मार्क मिनर्विनी. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक बिकॉज ये बुक आपको एक आइडिया देगी कि कैसे स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काम करती है, कि एनालिस्ट कैसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर एनालिसिस जब हम करते हैं टेक्निकल्स के साथ, तो अर्निंग्स बैक्ड क्या रहते हैं उसमें एंड फंडामेंटली आपको कैसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स बिकॉज दिस बुक विल हेल्प यू टू हैव अ फ्रेमवर्क अराउंड प्लेस. जैसे हमने स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर की बात करी, तो आपका जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, वॉल्यूम्स का क्राइटेरिया है, व्हेन डज अ ब्रेकआउट हैपन, व्हाट आर द फंडामेंटल चेंजेस विच आर हैपनिंग विद इन द business, all those things will get cleared after reading this book. So this is also one of the must read books. Sixth book जो जिसकी तरफ हम आते हैं, so that is a book by the name of Bulls, Bears and Other Beasts. तो Bulls, Bears and Other Beasts करके एक book है, so which is a book on the story of the Indian stock market history. तो आपको ये जानना जरूरी है कि Indian stock market history कैसे evolve हुई है. तो हर्षद मेहता की story से लेके कैसे IPOs आए थे 1980s में, MNCs के forced IPOs, टू स्टोरीज ऑफ की फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो इंडिया में था, जो फॉरेन म्यूचुअल फंड था उसके साथ क्या हुआ, टू स्टोरीज लाइक दैट एंड ऑल्सो टू स्टोरीज लाइक जो केतन पारेख स्कैम था उसके अंदर क्या हुआ, सत्यम स्कैम के अंदर क्या हुआ. तो इंडियन मार्केट्स की जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है एक स्टोरी फॉर्म में, सो दिस बुक इज वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स, दैट इज बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट. सो दिस बुक विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट. एंड फाइनली जब हम सेवेंथ बुक की तरफ आ रहे हैं, सो नेम ऑफ द बुक इज हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील. सो अगेन ये हमने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के वर्ल्ड से बोरो करा एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द बुक्स जो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगी कि वाइल यू डूइंग फंडामेंटल इन्वेस्टिंग एज वेल, तो वॉट आर सम ऑफ दोज फ्रेमवर्क्स विच कैन हेल्प यू अलॉट. तो यहाँ पे कैंसलिम करके इन्होंने एक फ्रेमवर्क की बात करी है. तो कैंसलिम फ्रेमवर्क है, दैट इज करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ बहुत फास्ट होनी चाहिए, दैट इज मोर देन 15-20% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखनी चाहिए कंपनी में, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी की बहुत फास्ट होनी चाहिए, फिर एन स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और मैनेजमेंट कि कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करा, देन एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द स्टॉक कि डिमांड शुड बी हायर देन सप्लाई, माने वही वॉल्यूम्स की हमने जो बात करी, एल स्टैंड्स फॉर लीडर और लैगार्ड इन द इंडस्ट्री कि द कंपनी शुड बी अ लीडर,
आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, कि कितनी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है बिजनेस के अंदर. एंड फाइनली एम स्टैंड फॉर मार्केट डायरेक्शन. अगर मार्केट डायरेक्शन इज वीक तो प्रॉबली द स्टॉक माइट कंसोलिडेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या तो डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, बट मार्केट डायरेक्शन शुड बी इन योर फेवर. तो आपने देखा होगा कि बहुत बारी बुल मार्केट्स में क्या होता है कि अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज कम अप विच आर डूइंग वेरी वेल, एंड वहां पे कैंसलिंग फ्रेमवर्क आपको मीट करते देखेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन आपके फेवर में होता है, फंडामेंटल्स आपके फेवर में होते हैं, डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई, एंड लिक्विडिटी सर्चिंग फॉर स्टॉक्स. लिक्विडिटी क्या है, माने कि लिक्विडिटी इज कि लोग ढूंढ रहे हैं स्टॉक्स कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है, कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है. तो वहां पे कैंसलिंग फ्रेमवर्क काफी बारी मीट करेगा. तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो 2020 में हमने एक वीडियो बनाई थी बाय द नेम ऑफ एपीएल अपोलो. एंड एपीएल अपोलो में क्या हुआ था कि करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ वर एक्सेलरेटिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ भी 25-30% पे ग्रो कर रही थी. फिर न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट क्या लॉन्च कर रही थी, तो मैनेजमेंट ने पहले ट्राइकॉट के अंदर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे, एंड फाइनली रायपुर के अंदर एक फैसिलिटी अनाउंस करी जहाँ पे 10,000-15,000 ईबिटा पर टन है. वेरस बेस बिजनेस का जो ईबिटा पर टन है, माने पर टन आप कितना पैसा कमाते हो, 4,500-4,000 रुपीज़ था. और फिर कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगी जिसकी वजह से बैलेंस शीट लाइटर होगी कंपनी की. कंपनी मार्केट लीडर थी, तो लीडर था या लैगार्ड था, लीडर थी. सप्लाई और डिमांड के अंदर डिमांड ऑफ शेयर्स वाज मच मोर देन द सप्लाई, एंड एफआईआई ओनरशिप ऑफ द बिजनेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. सेम पैटर्न आप केईआई के अंदर लगा सकते हैं, सेम पैटर्न आप वन बेवरेजेस के अंदर लगा सकते हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में. एंड तीनों चारों कंपनीज के अंदर ही कैंसलिंग फ्रेमवर्क मीट करा. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट्स, द कंपनीज हैव डन वेल एंड ऑल्सो द मार्केट्स हैव डन वेल. बट दिस इज द कैंसलिंग फ्रेमवर्क जो आप अपने थिंकिंग के अंदर लगा सकते हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर. सो दीज आर द 7 बुक्स विच आर अ मस्ट रीड. एंड इसके साथ साथ हम आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एंड हूसोएवर इज अ विनर ऑफ द एक्टिविटी विल गेट ऑल दीज 7 बुक्स. सो द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू लाइक दिस वीडियो टू पार्टिसिपेट इन इट. एंड कॉन्टेस्ट है क्या, तो आज तक लास्ट 3 ईयर्स में इस चैनल में आपने जितनी भी वीडियोज देखी हैं, चाहे आपने 10 वीडियोज देखी हो, 5 वीडियोज देखी हो, 20 देखी हो, 30 देखी हो, 100 देखी हो, सो द क्वेश्चन इज कि लास्ट 3 ईयर्स में आपकी क्या टॉप 3 की लर्निंग्स रही हैं इस चैनल पे वीडियोस देखने के बाद, एंड विच इज ऑल्सो योर फेवरेट वीडियो. आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देने, एंड विच एवर कॉमेंट वी थिंक इज द बेस्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट, उस कॉमेंट को हम पिक करके वील बी सेंडिंग ऑल दीज 7 बुक्स टू योर प्लेस एज अ पार्ट ऑफ SOIC 3rd एनिवर्सरी. सो दिस इज द क्वेश्चन अगेन कि टॉप 3 की लर्निंग्स, एंड फाइनली आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी रही है. नाउ विद दिस वील कम टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. सो बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन, ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द 3 W's ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज वेन टू बाय, वेन टू सेल, वेन टू पिरामिड, एंड साथ साथ वॉट टू बाय, बिकॉज दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि पहले स्टॉक ढूंढने कैसे, फिर हमारे पास बाइंग, सेलिंग और पिरामिड करने वाले उसके अंदर क्या ट्रिगर्स होने चाहिए. सो ऑल दीज की थिंग्स वी टीच इन SOIC मेंबरशिप. एंड इसके साथ साथ हमने अभी SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए रिसेंटली Q4 FY23 के रिजल्ट्स पे भी एक वेबिनार करा था, एंड साथ साथ हमने जो गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, कैसीनो इंडस्ट्री के ऊपर भी वेबिनार करा था. सो ऑल दीज की थिंग्स आर देयर इन द SOIC मेंबरशिप विच विल मेक यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर. L1 में हम आपको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग खुद की कैसे कर सकते हैं, L2 में हम आपको ये सिखाएंगे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं, आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं. L3 में वी विल टीच यू दैट हाउ टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें. एंड L4 में हम आपको ये सिखाएंगे कि वेन टू बाय, वेन टू सेल, एंड हाउ टू पिरामिड इन अ स्टॉक. एंड फाइनली L5 एंड L6 में हम आपको स्टॉक ढूंढना सिखाएंगे एंड हाउ टू सॉर्ट ऑफ गो अबाउट एनालाइजिंग अ सेक्टर. सो ऑल दीज 6 की लर्निंग्स आर पार्ट ऑफ 1 SOIC मेंबरशिप. एंड बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द 3rd एनिवर्सरी ऑफ SOIC, सो यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC3 टू गेट 10% ऑफ ऑन दी SOIC मेंबरशिप. सो कमिंग टू द कंक्लूजन, तो ये 7 बुक्स आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, बिकॉज आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स आई थिंक आई नैरोड डाउन ऑन दीज 7 बुक्स जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Hope to see you for the next few anniversaries of SOIC, and thank you once again. Jai Hind.